who has some curiosity, some queries about what is the right time to do something, who are the best people to be asked to. And he asked such three questions just to know that his kingdom or he will never be in trouble. तो ये तीन क्वेश्चन उसके दिमाग में आए थे, हमने ये पढ़े. एंड ही आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वाइज मैन. जो वाइज मैन के आंसर थे वो क्या थे? दे वर प्रेटी डिफरेंट, बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर. किंग उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे. तो फिर वो सुनते हैं कि देयर वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन, वेरी कंसिडरेट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड ही वॉज अ हर्मिट. एक हर्मिट था, साधु था. तो उसके पास वो जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, आई आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स, ये तीन क्वेश्चन है उसके. हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, सेकेंड क्वेश्चन था. और थर्ड था, एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द हर्मिट सो द लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो उसने कहा तुम थक गए हैं शायद इसलिए मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं. Give me the spade, means instrument for digging. जो उसके फावड़ा था खोदने का, उसको कहा उसने मुझे दे दो and मैं क्या करता हूँ, digging करता हूँ, खुदाई करता हूँ. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. और hermit ground में बैठ गया. So this is the affairs key word meanings. You can write down this meaning. So when the king had dug two beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hands for the spade and said, now you rest and let me work. King ne do beds bana di thi, means do row bana di thi, khod ke kariyan bana di thi. Two beds were dug out by the king. He stopped and repeated his question. फिर वो काम रोका उसने वो digging का और फिर से पूछा. क्या पूछा? He stopped and asked. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his spade. Now you rest and I'll work. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. He sat down on the ground. ये हमने पढ़ लिया है. When king dug two beds, फिर से उसने पूछा कि दो बेड खुदने के बाद कि क्या आंसर है. बट द किंग बट द हर्मिट डिडंट गिव एनी आंसर. वन आवर पास्ट देन अनदर. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टिल इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टिल टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. तो जब धूप छिपने लगी, सन वेंट डाउन मीन्स सन वॉज सेटिंग बिहाइंड द ट्रीज. किंग ने अप स्पीड को जमीन पे रखा. स्ट्रक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, जमीन पे मारा. एंड सेड कि वाइज मैन, मैं यहाँ अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आया था. यू हैवंट गिवन एनी आंसर टू मी टिल नाउ. अगर तुम नहीं बताना चाहते तो बताओ, आई विल रिटर्न होम, घर वापस चला जाऊँगा. हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हर्मिट ने कहा. सो अगेन दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी वी फिनिश्ड. यू विल फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग फॉर दिस टू वर्ड्स, बेड्स एंड फेंटेड. फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्सियसनेस, वेंट अनकॉन्सियस भी कहते हैं, बेहोश हो जाना. बेड्स आई हैव ऑलरेडी, द रोज द लाइन्स ऑन द ग्राउंड. ये क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए. यू डू दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. व्हाट आर द थ्री क्वेश्चन? व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चंस? मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. क्यों भेजे गए थे? ये ऑप्शंस हैं. यू विल मार्क द राइट वन. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच द ब्लड वॉज फ्लोइंग. तो जैसे किंग ने कहा, हर्मिट ने कहा कि देखिए समबडी इज कमिंग, तो किंग ने टर्न राउंड पीछे घूम के देखा एंड सॉ अ बियर्डेड पर्सन. देखा तो एक कौन था? बियर्डेड पर्सन, ए पर्सन विद
बियर्ड्स, पीछे दाढ़ी जिसे कहते हैं, दाढ़ी वाला कोई आदमी था, उनकी ओर दौड़ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके स्टमक को उसके हाथ से दबाया था। द ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज स्टमक, और उसके स्टमक से ब्लड फ्लो कर रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल ऑन टू द ग्राउंड, जब वो राजा के पास आया, ही फेंटेड, फेंटेड मीन्स ही बिकेम अनकॉन्सियस, अनकॉन्सियस हो गया, बेहोश हो गया ग्राउंड में गिर के। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, किंग ने और हर्मिट ने मिलकर उसके क्लोथ्स को रिमूव। सो द किंग टर्न स्टमक, सो दे रिमूव देयर क्लोथिंग। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। तो उसको किंग और हर्मिट ने उसके वुंड को ड्रेसअप किया और उस पर जो भी उनकी डोमेस्टिक या वहाँ पे लोकल मेडिसिन थी उसको अप्लाई किया और ब्लीडिंग मीन्स द फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप्ड। देन रिड्रेस्ड, वी लर्न द वर्ड रिड्रेस्ड मीन्स ड्रेस्ड अगेन, उसको कपड़े पहनाना। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब वो आदमी थोड़ा ठीक हुआ तो उसने कुछ पानी वगैरह मांगा, समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, ताज़ा पानी ला के किंग ने उसे दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, सन सेटिंग की ओर था, एयर अब कूल हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरी द वुंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, किंग और हर्मिट दोनों ने उस वुंडेड इंजर्ड पर्सन को हट में ले गए, बेड पे उसको लिटाया। LAID, लेड, लेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ले, उसको नीचे लिटाया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइटली, चुपचाप लेट गया क्लोज आई के साथ। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, राजा भी अब क्या हो गया था, ही वॉज ऑल्सो वेरी मच टायर्ड बाई डिगिंग द ग्राउंड एंड द वर्क ही हैड डन, और जो वॉक उसने की थी उस फॉरेस्ट तक की, किंग को भी अब नींद आ गई। वेन ही अवोक, अवोक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ अवेक, जब वो जागा सुबह, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड। कुछ देर जागने के बाद उसे होश आया, पता लगा कि वो आज कहाँ है किंग, एंड हु इज द स्ट्रेंज पर्सन, वो स्ट्रेंजर कौन है बियर्डेड वहाँ। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, किंग को जैसे उसने अवेक देखा तो, जागा हुआ देखा तो, द स्ट्रेंजर बियर्डेड जो मैन था, वुंडेड जो पर्सन था, उसने कहा फॉरगिव मी, फॉरगिव मी मीन्स आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग ने कहा मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, एंड वाई आर यू आस्किंग योर फॉरगिव मीन्स वाई आर यू आस्किंग फॉर यू टू फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करने के लिए क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो उस bearded man ने कहा कि you do not know, but I know you very well. O king, I am your enemy. मैं तुम्हारा क्या हूँ? Enemy हूँ. Enemy is the opposite of friend. So मैं तुम्हारा friend नहीं, enemy हूँ. I swore revenge. Swore is the past form of swear. Swear means टू टेक एन ओथ, किसी बात को लेके जब हम प्रोमिस करते हैं, कसम खाते हैं, उसे कहते हैं स्वेरिंग, तो उसका पास फॉर्म है स्वोर। तो कहता है मैंने कसम खाई थी, रिवेंज मीन्स रिटेलिएट, किसी से बदला लेने को, रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सेज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को, सेज्ड मीन्स यू हैव कॉट, यू हैव स्नेस्ड अवे माई प्रॉपर्टी फ्रॉम मी, मेरी प्रॉपर्टी छीन ली थी और मेरे भाई को मार दिया था,
सो आई हैड टेकन रिवेंज ऑन यू, मैं तो तुमसे बदला लेने के लिए आया था. आई न्यू यू हैड गॉन ऑल अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. मुझे पता चल गया था कि यू आर ऑल अलोन. ऑल अलोन मीन्स यू आर अलोन, तुम अकेले हो. यू हैव कम अलोन टू मीट दिस हर्मिट. और मेरा अपना प्लान था. आई मेड अप माई माइंड मीन्स आई प्लान इट टू किल यू ऑन योर वे होम. जब तुम यहाँ से घर जाओगे तो मेरा प्लान था मैं तुम्हें मार दूंगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन गुजर गया, तुम तो आए नहीं. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज मी एंड वॉन्टेड मी. तो जब दिन भर तक तुम नहीं वापस आए तो मैं अपने छिपी हुई जगह से बाहर निकल गया. एंड योर बॉडी गार्ड रिकग्नाइज मी. दे न्यू मी, वो मुझे जानते थे, उनने मुझे पहचान लिया. एंड दे वॉन्टेड मी, उन्होंने मुझे वॉन्टेड कर दिया. वॉन्टेड मीन्स इंजर्ड कर दिया, घायल कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not addressed my wounds. उनसे तो मैं बच गया. I escaped from him, your bodyguard, but I should have died. मैं मर जाता if you had not dressed my wounds. मेरे wounds को तुम dress up नहीं करते. Then I would have died. I wished to kill you, and you have saved my life. वो देखिए कैसी बात कर रहा है. वो कहता है I wished to kill you. मेरी विश क्या थी? टू किल यू. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने तो मुझे लाइफ दे दी. नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉरगिव मी. अब अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं क्या रहूँगा? आई विल स्पेंड अ लाइफ अंडर योर कस्टडी. आई विल बी योर स्लेव. यू विल बी माई मास्टर. सो फॉरगिव मी. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिस enemy so easily and to have won him over as a friend. King बहुत खुश हुआ कि उसका जो enemy था, now he has made a peace with him. उसके साथ वो अब क्या है? Friendly है. And उसको उसने as a friend बना लिया है. He not only forgave him, उसने उसको forgave is the past form of forgive. उसको excuse कर दिया, उसको forgive कर दिया. But said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man's property, his property. तो उसने promise किया कि उसका doctor उसको treat करेगा और उसकी property जो confiscated कर दी है, जो seized है, उसे वो release करके वापस उस आदमी को दे दे. To seized took by force, ये नया words है. Faithful, loyal and true. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. उस आदमी को छोड़ के फिर वापस हर्मिट के पास गया किंग. Before going away, he wished once more to get answer to his question. उसने कहा हर्मिट ने तो आंसर दिया नहीं. So I should go back. Before going back to my palace, I should ask the answer. I should ask this question to the hermit as well. The hermit was on the knees sowing the seed in the beds that had been dug the day before. पहले दिन जो digging का काम किया था उस पर वो आज क्या कर रहा है? अपने garden में sowing seeds की sowing कर रहा है. Means वो बीज बो रहा है. You put the seed in the ground is called sowing. S-O-W. Sow. To dig the ground and put seed under the soil so that they could grow. Sowing, बीज बोने को जैसे हिंदी में कहते हैं. The king went up to the hermit and said, king hermit के पास गया और कहा, for the last time I beg you to answer my questions, wise man. Oh wise man, this is the last time I am asking you about my three questions. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो हर्मिट ने कहा, your questions have already been answered. तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही मिल चुका है. Looking up at the king, he stood before him. उसके सामने आके हर्मिट ने ऐसा कहा, How have I been answered? What do you mean? क्या मतलब है? कैसे मुझे आंसर मिल गया? किंग ने पूछा. Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had
and had not dug these beds for me, you would have gone away. देखो कल अगर तुमने मेरे पे दया नहीं की होती, pitied my weakness, मैं कमजोर हूँ, बूढ़ा हूँ, I am digging the ground, you felt pity, और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो क्या होता, you would have been killed by your enemy, you would have gone away means you would have been killed, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, तब तुम ये सोचते कि मैं रुका क्यों नहीं, मैं क्यों आया जब वो तुम्हें अटैक करता. So the most important time was when you were digging the beds, सबसे important time तुम्हारे लिए क्या था, when you are digging the beds, and I was the most important man to do me good was your most important business, और उस time पे सबसे important आदमी मैं था क्योंकि तुम मेरा good कर रहे थे, मेरा भला कर रहे थे. So I was the most important person, most important time was when you were digging the beds. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और उसके बाद जब वो beard injured man दौड़ता हुआ आया, उस time पे तुम्हारे पास सबसे important time कौन सा था, जब तुम उसे जब उसके wound को dress up कर रहे थे, when you were giving treatment to that wounded person. क्योंकि अगर वो मर जाता तो तुम्हारा फिर कभी आपस में दोस्ती नहीं होती, पीस नहीं होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज एंड वॉज द मोस्ट एंड योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट द बिजनेस. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, because if you had, so he was the most important person to you. So, dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तुम्हारे साथ बिना पीस के वो मर चुका होता. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. उसके बाद पहले मैं सबसे ज़्यादा important था और digging ground सबसे important work था. फिर जैसे ही बियर्डेड मैन आया तो वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट मैन हो गया, और उसको हील करना, उसको ड्रेस अप करना तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस हो गया. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. तो याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन है, नाउ. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि प्रेजेंट ही है, नाउ ही है, जब हम क्या कर सकते हैं, कोई एक्शन कर सकते हैं. पास्ट या फ्यूचर में जाके हम एक्शन नहीं करते. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट. और सबसे नेसेसरी पर्सन कौन है, कि वो पर्सन जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में तुम्हारे साथ है, प्रेजेंट में जो आदमी तुम्हारे सामने है, ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड whether happen in the future and here, so the whether we will meet anyone else. तो सबसे important आदमी वही है जिससे आप present में मिलते हैं. The most important business is to do that person good because we were sent into the world for that purpose alone. उसी आदमी का अच्छा काम करना, उसका भला करना हमारा purpose है, हमारा क्या है, बिजनेस है, इम्पोर्टेंट बिजनेस है, इसी के लिए हमें वर्ल्ड में भेजा गया है. सो दिस स्टोरी इज़ बाय लियो टॉलस्टॉय, अ रशियन राइटर, एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड फॉर यू. तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम प्रेजेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वी आर मीटिंग विद अ पर्सन एट दैट प्रेजेंट टाइम, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्शन है वो क्या है, द एक्शन वी आर डूइंग इट प्रेजेंट. सो दिस वॉज द answer of three questions given by that wise man. Now you will do this exercise yourself. आपके पास book है, उस book से आप एक question answer करेंगे, नहीं तो इन questions को आप अभी video pause करके लिख लेंगे, and then you will write down the answer in your notebook. Many wise men answered the king's questions. कौन कौन थे लिखोगे. Someone suggested that there should be
काउंसिल ऑफ वाइज मैन, ये तुमने क्या करना है, इसमें अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लिखने हैं, इसमें मतलब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, क्या रिक्वेस्ट की उसने, तुम लिखोगे आगे द किंग वॉस्ट, इसके आगे ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं वो इनमें से छांट के लिखने हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब आगे आप इसमें ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, यू राइट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड देन पेस्ट इट, पोस्ट इट टू द ग्रुप सो दैट आई कुड चेक दीज आंसर्स। सो ये पूरी एक्सरसाइज है, इफ़ यू हैव एनी डाउट ये सब तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, इफ़ यू कांट डू एनी ऑफ द क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन मार्क दैट इन द ग्रुप देयर आई विल टेल यू। सो टिल देन गुड बाय।